इंटीरियर लेआउट है ना वो इतना अच्छा है कि आप इसके फैन हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कार्ज इन्फो। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपके सामने खड़ी है एक लीजेंडरी गाड़ी, और जिसे आप जो है मिनी कूपर भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सस्ती मिनी कूपर। यह है मारुति की स्विफ्ट। स्विफ्ट जो है आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है। और अगर बात करें स्विफ्ट के वेरियंट्स की, तो टोटल 4 वेरियंट्स आज जो है आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। सबसे बेस्ट वेरियंट आता है इसका LXi, उसके बाद सेकेंड बेस्ट या फिर कह सकते हैं थर्ड टॉप वेरियंट जो आता है वो है VXi, फिर ZXi जो आपके सामने खड़ा है, इससे ऊपर आता है ZXi प्लस। CNG का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, और इसमें जो है आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, और CNG जो है वो आपको सिर्फ VXi और ZXi वेरिएंट में ही मिलती है। फ्रंट से आप देखेंगे कि ये वेरिएंट जो है बिल्कुल आपको टॉप वेरिएंट का लुक देगा, लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पे आपको मिसिंग लगेगी वो है इसके फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है वो आपको हेडलैम्प मिलते हैं, और ये हेलोजन सेटअप के साथ आते हैं। नीचे आप देखेंगे फॉग लैम्प भी आपको मिल जाते हैं। इससे लोअर वेरिएंट जो है VXi और LXi, उसमें जो है यहाँ पे आपको फॉग लैम्प हाउसिंग भी नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे जो आपको बिल्कुल ब्लैंक कवर जो है वो आपको दिया जाता है। ग्रिल आप देखेंगे बेस्ट टू टॉप, जो आपको लगभग सेम ग्रिल देखने को मिलेगी। बीच में आपको क्रोम लाइन जो है वो देखने को मिल जाती है, ऊपर आपको मारुति का लोगो जो है वो मिल जाता है। साथ ही में आप देखेंगे स्किड प्लेट जो है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है बम्पर आपको बॉडी कलर मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि गाड़ी की जो हाइट है वो एकदम नॉर्मल है, काफ़ी कम भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन देखने में ये गाड़ी जो है आपको काफ़ी अच्छा लुक जो है वो प्रोवाइड करवाती है। साथ ही में मैंने वीडियो में पहले बताया कि यह है सस्ती मिनी कूपर, तो आप अगर इस गाड़ी को मॉडिफाई करवा लेते हैं तो इसका जो लुक है वो नेक्स्ट लेवल आता है, और आप इसके जो डायमेंशन है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। दोस्तों एलॉय आप देख सकते हैं, ZXi वेरिएंट से जो है आपको एलॉय मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ZXi वेरिएंट में जो है आपको सिल्वर फिनिश के साथ एलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील जो है वो ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज जो है वो सेम रहता है, और टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 185/65R15 का टायर साइज जो है वो मिलता है। साइज जो है वो काफ़ी अच्छी है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, आपको जो है प्रॉपर एवरेज जो है वो ये निकाल कर देगी, क्योंकि टायर की जो है थिकनेस ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी अच्छा टायर जो इसमें आपको मिलता है। वहीं बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका इंजन बे। इंजन बे को आप जो है अंदर से एक्सेस करेंगे। इसमें जो है आपको के सीरीज का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इंजन आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गैप जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और नीचे आप देखेंगे कि आपको जो इंजन प्रोटेक्शन भी इस गाड़ी में मिल जाती है। और पावर की बात करें तो ये इंजन जो है ये आपको 88 BHP की पावर जो है वो जनरेट करके देगा, साथ ही में 113 Nm का टॉर्क जो है ये आपको प्रोवाइड करवाता है। एवरेज की बात करें तो आराम से जो है इस इंजन के साथ आप 21-22 की एवरेज जो है पेट्रोल मैनुअल के अंदर जो है वो निकाल सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको AMT का भी ऑप्शन मिलता है और CNG का भी ऑप्शन मिलता है। दोस्तों साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है अमेजिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही में आप देखेंगे कि ये जो लुक है ये एक डिसेंट या फिर कह सकते हैं सिंपल एंड सोबर लुक जो है वो आपको मिलता है, और बहुत जल्द जो है स्विफ्ट की नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है, उसके जो है डिज़ाइन जो है वो लगभग आपको वायरल होते हुए देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर। उसमें जो है आपको रियर डोर हैंडल जो है वो भी डोर पे ही मिलेगा, ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा, और डिज़ाइन जो है वो लगभग सिमिलर है, लेकिन उसमें जो है एक्सटीरियर डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिल सकता है। ORVM आप देखेंगे आपको बॉडी कलर मिलते हैं, लेकिन ये जो है आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ नहीं मिलते, आप इसको जो है अंदर से फोल्ड कर सकते हैं, और साथ ही में आप इनको जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, ये जो है फोल्ड नहीं हो रहे हैं। साथ ही में आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको ORVM पर मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे ORVM की जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और एकदम प्यारा सा ORVM जो है ये आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पिलर्स आप देख सकते हैं, ए पिलर बी पिलर जो है वो आपको ब्लैक टेपिंग के साथ देखने को मिलेंगे, और कलर ऑप्शन की बात कर लें तो इस गाड़ी में जो है आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 3 जो है वो डुअल टोन कलर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, टोटल कलर जो है वो आपको इसमें 10 मिल जाएंगे। डोर हैंडल आप देख सकते हैं, बॉडी कलर आपको मिलता है, साथ में आप देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर, फिजिकल की एक्सेस होल जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये आपको को पैसेंजर साइड में मिलेगा, साथ में बूट में भी मिलेगा। दोस्तों ऊपर आप देखेंगे रूफ में आपको जो है रूफ रेल्स भी नहीं मिलती, साथ में आप देखेंगे जो एंटीना है वो आपको सभी वेरिएंट्स में नॉर्मल मिलता है, किसी भी वेरिएंट में जो आपको शार्क फिन एंटीना जो है वो नहीं मिलता।
रियर डोर हैंडल जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो रियर प्रोफाइल है वो भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मेरे को जो है पर्सनली इस गाड़ी का जो रियर लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ऑल्दो जो है मैं मारुति की गाड़ियों को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन मेरे को इस गाड़ी का लुक जो है वो इतना शानदार लगता है कि अगर कोई मेरे को ये गाड़ी ऑफर करे तो मैं खुशी खुशी जो है इस गाड़ी को ले लूँगा। साथ ही आप देखेंगे सी शेप जो है आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, बीच में जो आपको टर्न इंडिकेटर रिवर्स गियर की लाइट जो है वो आपको हैलोजन बल्ब में मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि रियर विंडशील्ड ग्लास में जो है आपको डिफोगर भी मिल जाता है, वाइपर भी मिल जाता है, उसके अलावा आपको जो है वॉशर भी मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। बीच में आप देखेंगे सुजुकी का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में जो है स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है। वेरिएंट की बैजिंग जो है वो आपको किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। चार जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। नीचे जो है आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। साथ ही में बूट को अनलॉक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे बूट जो है वो आपको मिलता है 268 लीटर्स का, मतलब 268 लीटर का जो है आपको बूट स्पेस मिल जाता है। रियर सीट जो है वो आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। पार्शल ट्रे जो है वो आपको इस वेरियंट में मिल जाती है। और स्पेयर टायर जो है वो आपको बेस वेरियंट वाला मिलेगा। यहाँ पे जो है स्पेयर टायर की साइज आपको छोटी मिलेगी, ये है 165/80R14। जैक जो है वो आपको साइड में प्लेस किया हुआ मिलेगा यहाँ पे कवरिंग के साथ। बूट को क्लोज करने के लिए जो है आपको डबल जो है आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। साथ ही में आप देखेंगे इस वेरिएंट में जो है आपको सेंसर तो मिल जाते हैं, वो तो जो है आपको VXI वेरिएंट से मिलने स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि इस वेरिएंट में जो है आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, जबकि इसमें टच डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट ZXI प्लस में मिलेगा, लेकिन आप जो है एज ए एसेसरी जो है वो इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्यूल टैंक का एक्सेस जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है और इसमें जो है आपको 37 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। साथ में इसका जो CNG वेरिएंट आता है उसमें आपको 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी जो है वो मिल जाती है। दोस्तों स्विफ्ट में जो है आपको कैबिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप देखेंगे ये फ्रंट की जो सीट है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो कर रखी है, उसके बाद भी जो है लेगरूम कितना अच्छा जो है यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ में आप देखेंगे हेडरूम जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल पा रहा है और पीछे जो है आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। और पांच बंदे की अगर मैं बैठने की बात करूँ तो आप जो है पाँच मतलब पीछे वाली सीट पर जो है तीन बंदे आराम से तो नहीं बैठ पाते, लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कोई बच्चा बैठा हो तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं। रियर डोर ट्रिम में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डोर ओपनिंग लीवर जो है वो क्रोम फिनिश में मिल जाता है। रियर पावर विंडो स्विच जो है वो भी मिल जाता है और स्पीकर्स जो है वो आपको इस गाड़ी में टोटल चार स्पीकर दो ट्विटर का सेटअप जो है वो मिल जाता है। बोतल होल्डर जो है वो भी आपको डोर्स में मिल जाता है। की जो है वो आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है, ये है स्मार्ट की, इसमें आपको सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का स्विच जो है वो मिलता है। पीछे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। ड्राइवर सीट आप देखेंगे इसमें जो है आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, इससे नीचे वाला जो वेरिएंट है VXI उसमें आपको नहीं मिलता। साथ ही में आप देखेंगे कि स्विफ्ट की जो सिटिंग पोस्चर है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें जो है साइड सपोर्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। रियर सपोर्ट जो है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है आपको, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है आपको एक एक्स्ट्रा कम्फर्ट जो है वो एड किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि आपने एक्स्ट्रा अलग से जो है यहाँ पर सीट कवर जो है वो कुशनिंग वाले इंस्टॉल करवा रखे हैं गाड़ी में। नीचे आप देखेंगे थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि विजिबिलिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इंजन पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको राइट साइड में मिलेगा, ऊपर आपको एयर वेंट मिल जाते हैं। ऑल ब्लैक थीम जो है वो आपको केबिन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप देखेंगे नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जो है वो मिलता है, साथ ही में हेडलाइट लेवलिंग स्विच जो है वो आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग आप देखेंगे डी कट स्टेयरिंग जो है वो आपको मिलता है फ्लैट बॉटम, उसमें जो है आपको नीचे स्लो फिनिश मिल जाती है, ऊपर जो है आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिलता है। लेफ्ट साइड में जो है आपको मीडिया कंट्रोल मिलते हैं और नीचे जो है आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। बीच में आपको मारुति का लोगो, साथ में नीचे आप देखेंगे एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको मिल जाती है। ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ट्विटर आपको मिल जाता है, डोर ओपनिंग लीवर, साथ में लॉक जो है वो आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ORM एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। साथ में आप जो है
ORM को अंदर से फोल्ड कर सकते हैं। ऑटो फोल्ड का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। लॉक एंड अनलॉक का बटन जो है वो आपको मिल जाता है। रियर विंडोज़ को लॉक करने का बटन जो है वो आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप फीचर के साथ मिलती है। साथ में आप देखेंगे ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल पीछे जो है आपको फैब्रिक सॉफ्ट टच जो है वो आपको मिल जाता है। नीचे आपको 1 लीटर बोतल स्पेस मिलता है। साथ में कुछ मैगजीन स्पेस जो है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो की गई है। टॉगल्स की बात करते हैं तो राइट साइड के टॉगल में जो है आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिलेंगे और लेफ्ट साइड के टॉगल में जो है आपको वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे। उसके अलावा स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे MID को कंट्रोल करने के लिए जो है आपको 2 टॉगल्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ से जो है आप इसका एल्यूमिनेशन भी कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो है आपको एनालॉग RPM मीटर मिलता है और राइट साइड में जो है आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में जो है आपको एक छोटी सी MID मिलती है। नीचे आपको डिजिटली फ्यूल गेज शो होता है। ऊपर आपको ओडोमीटर और सबसे टॉप में आप देखेंगे कि आपको टाइम और टेम्परेचर जो है वो आपको शो होता है। दोस्तों स्विफ्ट का जो इंटीरियर लेआउट है ना वो इतना अच्छा है कि आप इसके फैन हो जाएंगे। आपको जो है जैसे मैंने आपको बाहर से बोला था कि ये सस्ती मिनी कूपर सेम वैसा ही कहीं ना कहीं उससे सिमिलर आपको जो है डैशबोर्ड का डिज़ाइन आपको लगेगा। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे आपको जो है राउंड शेप में जो है एयर वेंट मिल जाते हैं। बीच में आपको हैजार्ड का बटन मिल जाता है। ये जो है आपको 7 इंचेस का टच डिस्प्ले मिलता है जिसके सराउंड आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है। ये आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले USB ऑक्स ब्लूटूथ जैसे फीचर्स के साथ मिलता है। उसी के जस्ट नीचे जो है आपको ऑटो AC मिल जाती है। साथ में आप देखेंगे फ्रंट डिफोगर रियर डिफोगर के बटन जो है वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। एयर इनटेक के ऑप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे आप देखेंगे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट जो है वो आपको कवर के साथ मिलता है। साथ में आप देखेंगे USB और ऑक्स के जो आउटलेट है वो भी आपको कवर के साथ मिलते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको जो है मोबाइल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। 2 कप होल्डर जो है वो आपको मिल जाते हैं। और ये है इस गाड़ी का 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। कैमरा जो है इस वेरिएंट में नहीं मिलता, आप देख सकते हैं। गियरबॉक्स के सराउंड जो है आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। गियरबॉक्स के जस्ट पीछे जो आपको स्पेस मिलता है और हैंड ब्रेक जो है वो आपको मैनुअल मिलता है। IRVM जो है वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। केबिन लाइट जो है वो आपको सिर्फ एक ही मिलती है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। ऊपर आपको माइक की प्लेसमेंट जो है वो भी मिल जाएगी। को पैसेंजर सनवाइजर में जो है आपको वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स जो है वो भी यहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज के साथ मिलता है। डिसेंट स्पेस जो है आपको इसमें मिलता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईजिली कैरी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि डार्क सिलो फिनिश जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेंटर में, जो कि लेफ्ट साइड तक कंटिन्यू की गई है। लेफ्ट साइड में भी आपको जो है एयरबैग की बैजिंग जो है वो मिल जाएगी। सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में जो है आपको डुअल एयरबैग ABS विथ EBD जैसे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर जो आपको मिल जाते हैं। इसके अदर सेफ्टी फीचर जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये जो वेरियंट है ZXi जो कि है सेकेंड टॉप वेरियंट, ये आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 7,63,000 रुपये जो कि है काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस। लेकिन आप देखेंगे कि इसी प्राइस पॉइंट में जो इसके कॉम्पिटिशन्स जो है वो आपको इससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं। लेकिन बात आती है रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू की, तो वो जो है वो आपको सिर्फ स्विफ्ट के साथ ही मिलेगी। क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में आप देखेंगे टाटा की टियागो आपको मिल जाती है, हुंडई की ग्रैंड आइटन, नियोस मिल जाती है। लेकिन नियोस में क्या है, सेफ्टी जो है लगभग ऐसी ही मिलती है, लेकिन इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो सेफ्टी का उसमें आपको मिल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो टियागो है वो भले ही 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हो, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही मिल पाता है। एवरेज जो है वो आराम से इतनी ही निकाल दे देता है, लेकिन उसका जो इंजन नॉइज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि काफ़ी साइलेंट है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का रिव्यू जो था स्विफ्ट ZXi का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द जो है हमारा 100K का गोल जो है वो हमें अचीव करवाएं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।